हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली पुलिस और एमडी हॉस्पिटल ने मिलकर चलाया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 20 बच्चों को मरीज के देखभाल करने के साथ साथ अस्पताल के कई अन्य काम भी सिखाए गए, जिसमें 15 बच्चों का चयन किया गया और उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। आज एमडी सिटी हॉस्पिटल में चुने गए बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट DCP उषा रंगनानी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। साथ ही SCP मॉडल टाउन विपुल अनेकांत, संघ DCP अशोक बिहारी, गरिमा तिवारी मौजूद रही। DCP उषा रंगनानी ने बताया कि इस तरह के प्रोग्रामों से युवाओं को रोजगार प्रदान कराने से युवाओं में जुर्म की दुनिया से दूर किया जा सकता है, जिससे वो गलत राह पर ना जाए, वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सके। दिल्ली पुलिस हमेशा इस तरह के प्रोग्रामों से युवाओं को रोजगार के अवसर देती रहती है। इस बार हेल्थ सेक्टर में युवाओं की ट्रेनिंग इसलिए भी कराई गई क्योंकि कोरोना की लहर से गुजरते हुए हमें इनकी काफी जरूरत थी। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। प्रोग्राम और किस तरीके से ये सारा प्रोग्राम चल। DCP महोदया ने हमारे लिए 15 बच्चों को उन्होंने हमें भेजा। उन 15 बच्चों को हमने ट्रेन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा, उनको ट्रेनिंग दी और अंततः हम 5 बच्चों को उनमें सिलेक्ट कर पाए, जिनका हम डिटेल्ड इंटरव्यू लेकर ताकि उनको आगे के लिए जॉब के लिए उनकी हेल्प कर सकें। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बच्चों को एक रोजगार देने के लिए अति आवश्यक है। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो मीन्स डाउन ट्रॉडन से हैं, बहुत ही नीचे स्तर पे होते हैं और अगर हम इनका ध्यान नहीं करेंगे तो कल को ये क्रिमिनल बन सकते हैं। उनको रोकना और ठीक दिशा में ले जाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। हम किसी को भीख देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बच्चों को अगर रोजगार देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर युवाओं को रोजगार प्रदान कराया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक तो थैंक्सफुल हैं क्योंकि इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी समाज के थोड़ी सेवा करें हॉस्पिटल के थ्रू, क्योंकि हम भी लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए थे, तो जिस वजह से हमें बहुत थैंक्स है कि हम भी जनता की कुछ सेवा करें, कुछ हम भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर घर पर रहते ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम घर पर ऐसे ही रहते। इस अपॉर्चुनिटी से हमें बहुत ये है कि हम बहुत कुछ आगे अब अचीव कर सकते हैं। अगर इस तरीके के अपॉर्चुनिटी को लेकर यही चीज़, अगर हम घर पर रहते तो हम कुछ गलत कामों में चले जाते, इस चीज़ से हम एक तो अच्छी राह में गए, अच्छी डायरेक्शन में गए हैं, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे और सरकार का भी नाम रोशन करेंगे, अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, कुछ क्राइम से हम बचेंगे, हम लोगों को भी बचाएंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें मिली है तो आगे जाके औरों को भी हम अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे कि उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले जैसे हमें मिली है। कह रहे हैं इसी को ही ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को हमने चलाया है, ये हमारी युवा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो अपने इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से कोई गलत राह चुनने के लिए वनरेबल होते हैं कि या तो वो क्राइम की तरफ भटक सकते हैं या फिर किसी बुरी संगत में पड़ सकते हैं या फिर किसी बुरी आदत जैसे नशा, ड्रग्स के आदि जा सकते हैं, तो उनको इन चीज़ों पर जाने से रोकने के लिए हमने युवा स्कीम करी। और इसके अंदर इस बार हमने हेल्थ केयर सेक्टर पर फोकस करा कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो युवा बिलोंग करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनका स्किल ट्रेनिंग देकर, उनकी स्किल्स का अपग्रेडेशन कर उनको प्लेसमेंट का अवसर भी प्रोवाइड करा। तो इसमें हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स और एसेंशियल फर्म्स के साथ टाई अप करा, जिसमें आज जहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट करा और आज यहाँ पे एक प्लेसमेंट प्रोग्राम भी कराया। इसमें इन्होंने 15 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और इन सभी कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट दिया गया और इनमें से 12 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनको प्लेसमेंट भी दिया गया है और उनको लेटर ऑफ इंटेंट ऑफर करा गया है। कुछ और सेक्टर्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम तो बहुत ही सालों से चल रहा है दिल्ली पुलिस में। डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोगों ने युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उनके स्किल्स को अपग्रेड किया है, जैसे कि ब्यूटिशियन में, वेलनेस सेंटर में, या फिर जो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग हो गई या कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इनको ट्रेनिंग दी गई है अलग अलग फील्ड्स में और इनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया। लेकिन इस बार जो स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट है इससे कि आपने पैंडेमिक के दौरान देखा कि काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर प्रेशर था, तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने एक
सोचा कि क्यों ना एक पूल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स क्रिएट करा जाए, हम अपने युवाओं को ही ये जो फाइट है पैंडेमिक के अपने एरिया के एसएचओ और पुलिस डिपार्टमेंट के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेरे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स, आज हम एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम स्किल इंडिया, उसके तहत कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी डीसीपी महोदय के इंस्ट्रक्शंस पर, और उसके उपरांत 5 कार्यकर्ताओं को हमने अभी चयन किया है जिनको हमने अभी इनवाइट किया इस ऑफर लेटर के साथ। एक वर्ष पूर्व पुलिस की गरिमा या डॉक्टर्स की गरिमा समाज में किसी प्रकार से कहीं कमी रह रही होगी कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, लेकिन आज हमें खुशी है कि हम सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे यहाँ कर्मचारी हैं और पुलिस के अधिकारी और पुलिस के महकमे, सबके लिए एक बहुत ही सुखद विषय है कि समाज को किस प्रकार से हमने सेवा की और अपने देश की सेवा की, ये एक बहुत सराहनीय विषय है। मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस के अधिकारी इस बीमारी के अंदर उनकी जान को नुकसान है, हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अपने इस समाज के जो डॉक्टर्स और पुलिस के कर्मचारी जिनको नुकसान हुआ उनकी कैसे भरपाई कर पाएँ, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दे पाएँ उनके बच्चों को, ताकि उनकी जो सेवा है वो हमेशा याद की जा सके। और मैं अपनी तरफ से और अपने ट्रस्ट और अपने सोसाइटी और इस हॉस्पिटल की तरफ से सभी आए हुए अधिकारियों का और अपने जो कर्मचारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए। हम आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, उसकी हम चेष्टा करेंगे, जिस प्रकार से हम अभी कोऑर्डिनेटेड वे पे काम कर रहे हैं उसी कोऑर्डिनेशन से और उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने समाज और देश की सेवा करने में आगे रहेंगे। धन्यवाद।